हेलो स्टूडेंट्स हाव आर यू आई होप यूर आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी येस वेरी गुड सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज बच्चे द क्रूक्ड पाथ अब क्या होता है बच्चे टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा okay? मेढ़ा ओके रास्ता उसको बोलते हैं क्रूक्ड पाथ फर्स्ट वर्ड इज है इंडेड इंडेड होता है इन फैक्ट सच्चाई पर बेस्ड फैक्ट पर बेस्ड एंड रिस्टोर्ट मतलब क्विक रिप्लाई देना जवाब देना काउंसिल एनकाउंटर करना बच्चे मतलब किसी से मिलना ओके okay? एनकाउंटर करते हैं एंड डू सेटिस्फैक्शन लेट्स बिगिन अ मिनिस्टर ऑफ अ लार्ज किंगडम वाज़ राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू द कंट्री टू नो हाउ पीपल लिव ऑन हिज वे ही सो अ मैन क्लैड इन ill fitting garments, and bearing himself as one of the poorest labourers of the kingdom, digging a pit at a side of the road, the ministers halted and said to the diggers of the pit, "why do you dig that pit? don't you know, you fool, what a danger it is to the past by, and who seeing it not may stumble therein?" मिनिस्टर है बच्चे अ मिनिस्टर ऑफ अ लार्ज किंगडम लार्ज किंगडम का जो मिनिस्टर था वो राइडिंग कर रहा था हॉर्स पर है ना घोड़े पर चल रहा था थ्रू द कंट्री टू नो हाउ पीपल कि लोग कैसे रहते हैं आराम से उनका देख रहा था और जैसे ही वो चलता रहता है तो वो देखता है है एक मैन को ठीक जो एल फिटिंग गार्मेंट उसने पहने हुए थे बियरिंग हिमसेल्फ एज वन ऑफ द पुअरेस्ट लेबर की तरह वो दिख रहा था किंगडम के अंदर और वो क्या कर रहा था डिगिंग कर रहा था डिगिंग करना क्या होता है बच्चे खोदना और पिट क्या होता है गड्ढा

One who walks in the straight path cannot fall therein, and one who falls therein is the man that takes a crooked path. You can see for yourself that my दैट is on the road side and not in the middle of the way. अब वो क्या बोलता है जो ड्रिगर होता है जो रहा होता है वो क्या जवाब देता है विद मतलब अपने सर को ऐसे झुकाते हुए हिलाते हुए बोलता है तुम मुझे फूल बोल रहे हो मैं फूल दिखाई देता हूँ तुम्हें ऐसे बोलता है और ये जो pit है ना मैं सही से खोद रहा हूँ और ये सही है बिल्कुल सर वन हु वॉक्स इन द स्टेट अगर स्टेट पाथ पर कोई जा रहा है तो वो कैसे गिर सकता है कैन नॉट फॉल देयर इन कैसे गिर जाएगा क्योंकि वो तो स्टेट जा रहा है ये तो मैं साइड में कर रहा हूँ एंड वन हु फॉल्स हुर इन इज द मैन दैट टेक्स अ क्रूप पाथ अगर कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ना और गलत रास्ता लेगा तो ही तो गिरेगा देख सकते हो तुम ये और जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ एंड नॉट इन द मिडल ऑफ द वे और ये कहीं रस्ते में नहीं है The minister was impressed by the wisdom of the retort and he ordered his servants to take the man to his house, to clothe him, to feed him and to give him shelter. तो बोलता है हाँ अरे इसने तो बहुत अच्छी बात की है कि सीधे सीधे जाएंगे तो गिरेंगे नहीं टेढ़ा मेढ़ा कोई जाएगा तो गिरने दो क्या फर्क पड़ता है तो बहुत अच्छी बात की है इसने तो बहुत विजडम की बात की है बुद्धिमानी की बात की है विजडम क्या होता है बच्चे बुद्धिमानी ओके okay, और उसको क्या ऑर्डर देता है अपने सर्वेंट्स को चलो इसको घर पर लेकर आओ उसको खिलाता है उसको कपड़े वगैरह पहनाता है और अपने शेल्टर भी देता है उसको वेन बैक इन हिज मैं मिनिस्टर सेंड फॉर द लेबर एंड सैड वट यू रिप्लाइड हैज इंटरेस्टेड मी बिकॉज ऑफ इट इज इन हेरेंड विजडम विल यू रिमेन इन माई हाउस एंड गिव मी मोर ऑफ यूर काउंसिल्स वेन आई शेल नीड इट तो बोलता है अरे तुमने जो कल सजेशन दिया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल तुमने जैसे बताया कि मैं पिट को क्यों रहा हूं, तो खोद ना ऐसे ही सजेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत है जो तुम के साथ देते हो हो ओके बताते हूं. तो आओ और और मेरे से मिलो मीटिंग करते हैं और वहां पर आपने अच्छे मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ही फेस्ड इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेन डिफिकल्ट मैटर सो

किंग को जरूरत पड़ती है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो चलाते रहते हैं तो मैटर पर उनको सजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो जो किंग है वो ऑज अ फेस विद डिफ़िकल्ट मैटर्स और कई बार वो बहुत सारे डिफिकल्ट मैटर को फेस भी करते हैं सो so, वहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि तुम अपने विजडम के साथ कुछ बताना और इससे बड़ा अच्छा रहेगा कि मैं उनको जाकर बताऊंगा और इससे क्या होगा प्रमोट कर देंगे मुझे मिनिस्टर से क्या बना देंगे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे इन अ क्वाइट अ शॉर्ट टाइम के अंदर ही The minister was not known for his wit and wisdom, but for a while, but now the courteous began to wonder at his newly found wisdom. Earlier he was known as one of the great brightness, but wearing ever on his bow and semblance of wisdom, but not its true image. His quick promotions raised a few bros, and so they began to pay into his private affairs and look for the cause of enlightenment. जो मिनिस्टर है उसको तो पता ही नहीं था वॉज नॉट नोन फॉर हिज वेट और विजडम के बारे में पता ही नहीं था कि वो कितना बुद्धिमान है बट द वाइल बट नाउ द कर्टियस जो हैं उन्होंने इन चीज़ों को पहचान लिया था कर्टियस बिगेन टू वंडर एट हिज न्यूली फाउंड विजडम कि इसको कोई ऐसा विजडम मिल गया है एंड अर्लियर ही वॉज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट ब्राइटनेस जिसको नई नई चीजें बता रहा है और ये क्या कर रखा है इसने कुछ वियर किया हुआ है पहना हुआ है ब्रो द सेम्बलेंस ऑफ विजडम का

सो so, एक बार क्या होता है जो कार्टियस होते है हैं ना वो पकड़ लेते हैं एक वर्कर को ठीक है एट द प्राइम मिनिस्टर्स मेंशन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो मेंशन होता है वहाँ पर ठीक है उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद क्या करते हैं उससे इंक्वायरी करने लग जाते हैं इनमेट ऑफ हिज हाउस दैट वाज एवर इनक्लोज कमेंटेशियम विद हिम एंड दे एट वंस इंक्वायर्ड द किंग्स एट द सोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो उनके पास में रहता था उसकी विजडम के बारे में पूछने लग जाते हैं द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन अ फिक्स अब प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया अरे ये क्या इन्होंने तो किसी को पकड़ लिया है वहां से तो प्राइम मिनिस्टर वहीं पे फिक्स हो जाता है मतलब बिल्कुल बोलते हैं ना वैसे वैसे स्ट्रक हो जाना द वर्ल्ड वॉज अबाउट टू नो हाउ ही थ्रीवड ऑन बोरोड विजडम एट फर्स्ट अ ग्रेट पैनिक टक होल्ड ऑफ हिम एंड देन हिज विली माइंड गोड एट वर्क ही फाइनली डिसाइडेड टू रीड हिम सेल्फ ऑफ द मैन हु हैड बीन हिज फ्रेंड एंड काउंसलर िटी एंड शेम टू हिम द मैन हु ब्रॉट हिम ग्लोरी नाव सीम टू बी अड अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो फिक्स हो गया अब उसको लगा की जो वर्ल्ड है उसके अंदर मतलब वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाएगा जो भी उसकी प्रजा थी जो राजा थे सबको पता चल जाएगा की मैं कैसे विजडम को बोरो करता हूँ मतलब बुद्धिवानी किसी की है विचार किसी के है तो मैं उसको बोरो करता रहता हूँ तो ये चीजें सही नहीं है एट फर्स्ट द ग्रेट पैनिक तो पहले तो वो पैनिक हो गया कैसे और उसको लगा कि मैं कैसे अपने आप को फाइनली डिसाइडेड टू रीड हिमसेल्फ ऑफ द मैन कि कैसे मैं उसके अपने आपको बचाना चाहिए और वो बचाने के लिए फिर अलग अलग चीजें सोचने लग जाता है तो मैन जो होता है वो ब्रॉट हिम ग्लोरी नाउ सीम टू बी अ रॉक हैड और वो ग्लोरी में दुख में डूब जाता है ही ले अवेक थिंकिंग अबाउट इट ऑल नाइट और पूरी रात वही बातें सोचता रहता है एंड इन द मॉर्निंग ही सेंड फॉर द वाइज मैन अब वो वाइज मैन को भेजता है एंड हैंडलिंग हिम अ लेटर ही सेंड टेक दिस लेटर टू हिम हुज नेम इज रिटर्न ऑन इट एंड श्योर देट यू योर सेल्फ डिलीवर इट इन टू हिज हैंड अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट इट कंटेन्स एंड लाइफ और डेट डिपेंड्स ऑन इट्स डिलीवरी तो एक मैन को भेजता है और बोलता है कि तुम है ना इस लेटर को डिलीवर कर दो और जिसको मैं बोलता हूं उसी के हाथ में आपको देना है कहीं पर और ज्यादा नहीं देना क्योंकि ये किसी इंसान के मरने और जीने का मैटर है ऐसे बोलते हुए दे देता है जैसे आपको दिख रहा है ना बच्चे इस तरह से डिलीवर कर देता है द वाइज मैन वेंट फोर टू डिलीवर द लेटर टू हेम फॉर होम इट वॉज एड्रेस्ड अब जिसका भी एड्रेस लिखा हुआ था तो वो वहां पर उसको डिलीवर करने के लिए चला जाता है वाइज मैन एट सो चांस दैट द यंग सन

तो जाता है रहता है उस लेटर को लेकर तो रस्ते में उसको कौन मिल जाता है बच्चे उस प्राइम मिनिस्टर का बेटा मिल जाता है ओके okay? तो प्राइम मिनिस्टर एनकाउंटेड हिम ऑन हिज वे और जो यंग मैन होता है विद द बीमिंग फेस होता है उसका शाइनिंग आईज होती है एंड सेड टू हिम विल यू डू समथिंग फॉर मी क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे माई स्वीट हार्ट अवेट्स मी देयर तो so, वो बोलता है नहीं मेरे जो फादर हैं वो पैलेस में वेट कर रहे हैं माय फादर अवेट्स मी एट द पैलेस सो आई कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस और मैं कहीं पर भी ऐसे दो जगह पर इकट्ठे नहीं जा सकता एट द सेम टाइम पर सो विल यू नॉट टेक दिस लेटर टू हर और इसलिए मैं उनका लेटर नहीं लेकर जा सकता तो विल यू नॉट टेक दिस लेटर टू हर कि वहां तक जहाँ पर दिया है जिसके लिए तो उसको नहीं दे सकता देन स्वीटेस्ट लेडी इन ऑल द लैंड और वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट लेडी है लैंड के अंदर एंड ब्रिंग बैक टू मी हर आंसर The man looked at the bright, eager face of the youth and then at the letter in his hand and said, I'm sorry, I cannot help you. Your father has sent me on an important task that brooks no delay. See, I must deliver this letter as it is important and urgent. तो उसको गुस्सा आ जाता है जो मैन है वो देखने लग जाता है उसको यूथ को कि कैसे उसका जो फेस है कैसे उसका फेस जैसे गुस्सा हो जाता है ना कोई हमारे काम को मना कर देता है सेम वैसे ही वो कर रहा था और लेटर तो उसके हाथ में ही था और बोलता आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू मना कर देता है आई कांट हेल्प यू योर फादर हैज सेंट मी ऑन अ इंपॉर्टेंट टास्क और तुम्हारे फादर ने मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क के लिए भेजा है तो प्लीज नो डिले डिले मत करो सी आई मस्ट डिलीवर दिस लेटर मुझे शॉर्ट डिस्टेंस गिव मी द लेटर एंड आई विल डिलीवर इट फॉर यू आई ऑलरेडी नो हिम ही इज अ स्टेट एग्जीक्यूशनस प्लीज टेक दिस लेटर एंड गो टू माई मिस्ट्रेस एंड ब्रिंग मी बैक हर रिप्लाई विद इन एन आर तो बोलता है जो यूथ है वो बोलता है लुक डॉप एंड सैड एंड इट इज बट अ शॉर्ट डिस्टेंस है तो मुझे लेटर दे दो और मैं इसको पोस्ट कर देता डिलीवर कर दूंगा ऐसे बोलते हुए आई ऑलरेडी नो हिम और मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है वो कौन है ही इज द स्टेट एग्जीक्यूशनर्स है वो तो मैं उसको लेकर चला जाता हूँ प्लीज टेक दिस लेटर एंड गो टू द मिस्ट्रेस के पास आप चले जाओ और इस लेटर को वहीं पर उनको दे दो और इसका रिप्लाई भी जल्दी से लेकर आना ब्रिंग मी बैक हर रिप्लाई विद इन एन आवर और एक घंटे के अंदर जल्दी से रिप्लाई लेकर आओ द वाइज मैन थॉट वट ही शुड डू बट द यूथ वॉज क्विक लेटर फ्रॉम हिज हैंड एंड पुट इन इट्स प्लेस द लव लेटर टू हिज मिस्ट्रेस एंड वॉकड अवे जो मैन होता है वो सोचने लग जाता है जैसे वो कुछ सोच रहा होता है थॉट और वो जो यंग यूथ होता है ना बच्चे जो उसका बेटा होता है वो फटाफट जल्दी से उससे हाथ से स्नैच कर लेता है लेटर को हा? और उसके बाद उस लेटर को जल्दी से लेकर चला जाता है इट्स प्लेस द लव लेटर टू हिज मिस्ट्रेस के पास और वहां से Walked away. The Prime Minister anxiously walked up and down the veranda, waiting for the news that the wise man had been done away with him. He was shocked when he saw the wise man approaching him. He looked around and then asked the Prime Ministers where his son was. So, the Prime Minister was anxiously. तरीके से इधर उधर ऊपर नीचे के अंदर घूम रहा है वेट कर रहा है कि कब आएगा वो और मेरे को वो लेटर का जवाब देगा ठीक है उससे आंसर लेना चाहता है प्राइम मिनिस्टर तो और वो सबसे पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर कहाँ है वेयर हिस्सन और उसका बेटा कहा है हाउ आर यू हेयर आई सेंट यू टू द स्टेट एग्जीक्यूशनर डिट आई आज द प्राइम मिनिस्टर डिड आई नॉट सेंड यू लेटर टू हिम वुड नॉट हैव सेंट यू बैक टू मी दस तो बोलता है कहाँ पर है हाउ आर यू देयर और वो कहां पर है आई सेंट यू मैंने उसको भेजा था कहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूशनर के पास भेजा था तो डेंट आई आज द प्राइम मिनिस्टर तो इससे वो प्राइम मिनिस्टर से पूछने लग जाता है डेंट आई नॉट Send you with a letter to him. a letter You Bola The wise man replied, Oh sir, your son insisted that I go with his letter to his mistress while he himself took charge of the letters and you gave me. See, here is an answer from her whom he sent me to. कि मैं तो उसके पास नहीं जा पाया लेकिन आपका जो बेटा था वो उसने इंसिस्ट किया मुझसे और मुझसे लेटर ले लिया और वही जो मिस्ट्रेस के पास गया था और वहां से वो आंसर लेकर आया है ठीक है मैंने उसको भेज दिया था एट दिस द प्राइम मिनिस्टर अटर्ड अ वाइल्ड शेंग एंड फॉलिंग ऑन हिज फेस क्राइड वट हैव आई डन वो इज टू मी ऑकर्स एम आई फॉर एवर एंड एवर माई सन इज डेड डेड ओ लॉर्ड That letters was the death warrant of the persons डिलीवर्ड एट माई पुअर सन यू हैव डिलीवर्ड विद योर ओन हैंड्स योर ओन डेथ सेंटेंस तो उसने क्या बोला की जो डिलीवर करने के लिए क्योंकि उस लेटर में क्या लिखा था कि किसी की पनिशमेंट किसी को मिल जाए ओके तो जो प्राइम मिनिस्टर है जैसे उसका बेटा आता है वो अर्टर करने लग जाता है ये क्या किया तुमने लेटर को क्यों पकड़ा और तुमने लेटर को क्यों पोस्ट करने के लिए बोला और तुम क्यों पोस्ट करके आए क्योंकि जो लेटर को पोस्ट करेगा उसका वो डेथ वॉरेंट था डेथ वॉरेंट ऑफ अ पर्सन हु डिलीवर ड उसको डिलीवर करता उसी का वो डेथ वारंट था माई पर्सन पुअर सन इस तरह से बोलते हुए और डिलीवर तुमने ऐसे क्यों किया और तुमने उसके हाथ से ऐसे डेथ सेंटेंस को ही खुद से छीन लिया ओ यू विली फूल यू हैव फॉलन इन टू माई पेट विच आई डग ऑफ द रोड क्राइड द वाइज मैन सो लॉन्ग एज यू डिड वॉक इन द स्ट्रीट पाथ यू वर सेफ एंड हैप्पी बट द मोमेंट यू टक दुक रोड

जो तुमने खुद के लिए अपना गड्ढा खोद लिया है जिसमें तुम खुद गिरोगे क्योंकि अगर तुम सीधा सीधा चलते ठीक है किसी से बीच में इंटरप्ट नहीं करते दूसरे का काम नहीं छीनते तो ये क्या होता तुम्हारे लिए बेहतरीन होता लेकिन तुमने क्या किया दूसरे का काम छीनता तो इस तरह से तुम सीधे रस्ते पर ना चल के क्रूगड पाथ पर चल गए जो तुम्हारे लिए बहुत गलत साबित हुआ ठीक है इस तरह से वो डिस्कस करते हुए और बोल देता है गुड बाय ओके सो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी बच्चे और ये लिखी किसके थ्रू है रॉज रिन के थ्रू एंथन ठीक है तो रोन ब्रेन एंथन के थ्रू लिखी गई है और इसको दोबारा पढ़ेंगे रीड आउट करेंगे बच्चे और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज जो है डू इट योरसेल्फ